और क्या करना, जाके बड़े बड़े बढ़िया खाने। हमारे गुरु महाराज पक्का भोजन करते ना, ये अपना काम नहीं। जैसे फकीरों को भोजन मिलता है, जो रूखा सूखा मिले, महाराज क्या खाते, पक्का भोजन, देसी घी ना, जो वहां बना वही स्वीकार। नहीं जी नहीं, नो स्पेशलिटी, जो आप, मैं वही करूं। इतनी गरीबी और नम्रता से चलना, जिह्वा के रस लेने हैं तो घर बैठ जाओ, बिल्कुल इस भाव के साथ जाके उनमें मिल जाओ, ताकि उनको किसी प्रकार से कष्ट तुम्हारा ना लगे। हम गुजराने तीन उन्हें पर अगर वो कहें भी क्यों, इस समय वो बादशाह के घर गए हुए, कि बादशाह तुम्हें बड़े बड़े खाना भी देंगे, रजनी जहां से तुम अपने फकीरों को दान में देते हो, हम वही रूखा सूखा खाने वाले आदमी हैं, हमें और बढ़िया खाने या कुछ मिठाइयां नहीं चाहिए। तुम हमारे मुरब्बी और मीरा उनको उल्टा तुम कहो, अजय आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे बड़े हैं। नहीं, आप बड़े हैं इस वास्ते तुम्हारे इस कदम वास्ते। अब देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम मुसलमानों के पास गए हो, कहो जी हम तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए आए हैं, आप हमारे मुरब्बी हैं, हम आपके कदम छोड़ के अब जाएंगे नहीं, छोड़े ना दम हम हमारा छोड़ेंगे नहीं। अब तुमको कछु देने ध्यान कहे दो, और बादशाह है तुमको कुछ देने के लिए, फिर कहे कि भाई मोमनो आए हो कुछ ले लो। तो मांगियो हवेली क्या तुम। लगे बादशाह सलामत, ये स्वामी जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या बादशाह हमें कोई संसार की चीज चाहना ही नहीं, हमने लेनी नहीं है, एक हवेली दे दो, उसमें हम बैठ जाएं, और फिर ध्यान दो ऐसा काजी हमको दो जो परम धाम का ज्ञान हम दे, ये मांगो। और ये उनके पास कहां से लाएंगे, उनको कहो कि हमें एक काजी दो जो हमें कुरान की तालीम दे और अर्श अजीम परम धाम का रास्ता और उस अर्श की सब बातें हमको सिखा रहे। खाने को पेट माफ और स्वामी कर जी कहते हैं ये नहीं कि सेठों के घर या बादशाहों के घर या अच्छे अमीरों के घर तुम्हारा जाना हो, यार आज तो गुलाब जामुन बने हैं, आज तो गाजर भाग है, ठीक है पेट भर गया, अरे देने आ गया दोबारा परोसने गुलाब जामुन, अच्छा दो तो रख ही जरा, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, पेट माफ, जितनी इच्छा हो उससे भी कम भोजन करना। और मुल्ला पढ़ाव ने कलाम और उनसे क्या मांगना कि जी हमें एक मुल्ला दो, क्योंकि हम नए नए अभी आए हैं दीने इस्लाम में, वो हमको कुरान, देखो बहुत समझने की बातें, कुरान की शिक्षा देवे, और कागज बेतल माल से और कागज जो है जहां सारे कुरान वगैरह सब ग्रंथ मिलते हो वहीं से लेना। ओए रसूल अलैहो सलाम जिस तरह से मोहम्मद साहब ने गरीबी से काम किया, सो तुम इन सो और मांगियो इनसे क्या मांगना हमको दे कि वो तालीम काजी जो है वो हमको तालीम देवे, शिक्षा देवे, क्या हमको तरबियत करो हमको तरबियत सिखापन दियो कि वो अर्श परम धाम कहाँ है और अल्लाह ताला का वहां पे स्वरूप अक्षातीत का क्या है, क्या श्रृंगार है, और वो परम धाम क्या है, वो हमको समझावे, ऐसा काजी हमको दो जो कलाम अर्श जो अजीम अर्श परम धाम की बातें 25 पक्ष का ज्ञान है। जो तुमको ना देवही अब अगर वो इस बात से तुम्हें ना दे के भाई ये कुरान तो हमारा है और ये हिंदू लोग हैं, तो अपने जान क्या पने अपना है, ये हमारा मुसलमानों का है, पर तुम खिदमत ना पर तुम उनकी छोड़ियो सेवा ना छोड़ना, खिदमत में रहना, जो चाहो इन्हें जो इनको चाहोगी जब वो तुम्हें नहीं दे सकेगा तो फिर वो चाहना करेंगे। इनका रुकता ना ध्यान जियो देना, फिर क्या करना,
एकदम उनका खंडन नहीं करना और सारा ही परमधाम एक दिन में ना सुना देना उनको, समझे। इनका रुचिता जितना जितना वह समझ सके, जितना जितना वो सुन सके, धीरे धीरे उनको उतना रुचिता, मैंने भाती हुई बातें कहना, और खूब अच्छी तरह से उनके सब शंसे मिटाइयो रिजाइयो, इतनी अर्ज कीजियो, और फिर उनसे अर्थ करना, भाषा तुम्हारे पर प्रसन्न होगा तो क्या कहना, बात कहे कांत के ऐ बादशाह सलाम, अगर वास्तव में आप हमारी फरियाद सुनना चाहते हो तो हमारी एक छोटी सी इच्छा है कि आप एकांत में बैठ करके हमारे से कुरान पूछो और हमें समझाओ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब कुरान के सब भेद जानता था, डेली अपने हाथ से कुरान लिखता था, काजी कोई कुरान के भेद जानता नहीं था, इसलिए औरंगजेब को कहना आप एकांत में बैठ करके हमसे पूछो और हम आपसे पूछें। कोई लड़का बुद्ध सो, नोट करो ये, क्योंकि जीवन के अंदर चीजें और किसी भी ऐसे आदमी से अपना दोस्ताना फ्रेंडशिप ना रखना जो हर बात में मजाक ही करता है, जिसको इतना शहूर ना हो हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डील, कभी उनकी सोबत में रहना नहीं, नहीं तो तुम्हारा भी एक दिन स्वभाव ऐसा हो जाएगा, तुमको भी किसी प्रकार की सेंस नहीं रहेगी कि कहां क्या चीज बोलनी चाहिए, और बिल्कुल तुम भी फजूल आदमी हो जाओगे। नहीं कभी भी ऐसे आदमी की जो कच्ची पक्की बातें अनर्थ अनर्गल बोलता हो उसकी फ्रेंडशिप में कभी कभी भी उसके साथ मित्रता नहीं गांठना। फिर वो यदि कभी आता भी है तो तुम हल्के शब्दों से ना पुकारना, उसको भी बड़े आदरणीय शब्दों से, रिस्पेक्टेड शब्दों के साथ बोलना, और उसको चांस ही नहीं देना कि वो तुम्हारे साथ कोई लूज टॉक कर सके। जब तुम पूछे इधर, देखो फिर रुख बदला, कौन पूछे, उसने थोड़ा पूछना है, जब बादशाह तुम्हारे से कोई बात पूछे, जो बुला लो अपने लड़के को, तो इतने प्यार भरी आवाज से बोलना जैसे एक पिता बच्चे के साथ प्यार से बोलता है, कोई वो अकड़ वाली कठिन भाषा से व्यवहार नहीं करना। ये जवाब करो तुम, इस तरह से जवाब करो, जो सवाब तुम लेते हो, फिर उनको क्या कहो, बादशाह सलामत आप इतना जुल्म जो हिंदुओं पर कर रहे हो, अब बताया कि उसको इंस्ट्रक्शन दो, किस लिए कि अल्लाह और मोहम्मद का प्रचार हो जाए, पर तुम्हारा मेथड जो है टोटली रॉन्ग है। क्यों? कि तुम जबरन यदि किसी के मुंह में गोश्त डालो और उसको कहो अल्लाह का नाम लो, तो तुम्हारे डर की वजह से, औरंगजेब का समय है तो भले वो कह लेगा लेकिन उसका दिल कभी भी साफ हो नहीं सकता और उसके दिल में कभी ईमान आ नहीं सकता। बादशाह सलामत बादशाह कुल प्रजा का पिता के समान होता है, बादशाह प्रजा का पिता के समान होता है और सारी प्रजा इक्वल होती है उसके लिए। तुम मुसलमानों से प्यार करते हो तो हिंदू क्या तुम्हारी रिहाय नहीं? जिस तरह से तुम मुसलमानों को प्यार करते हो इस तरह से हिंदुओं को भी प्यार करो, और फिर जिस तरह से तुम तलवार से प्रचार करना चाहते हो, क्या कोई हिंदू का दिल साफ हुआ? हमको हादी ने भी प्यार करके समझा के बताया है कि परमात्मा सबका एक है, कृष्ण कहो या मोहम्मद कहो, दोनों के अंदर आत्मा अक्षर की है। देखो सुनो, ब्रिज और रास में अपन आए तो आत्मा किसकी थी? आत्म अक्षर और जोश धनी दाम, अर्ब में सिर्फ गए ना, तो ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम, वही अक्षर आत्म और वही जोश राज्य मनाए का, वहां मुस्तफा बेग के तन में बैठ के काम कर। तो अब बताओ हमारे लिए कृष्ण या मोहम्मद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तभी पन्ना जी में या कहीं भी देखना क्या लिखा होता है, निज नाम श्री कृष्ण जी
अनादि अक्षरा बराबर, और उधर क्या है ला इलाह इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमारा कृष्ण से क्यों वास्ता नहीं, क्योंकि कृष्ण के अंदर आत्मा अक्षर की है, तो अक्षर तो हमारे धनी नहीं। तब आके स्वामी जी ने कहा बस कृष्ण वहीं तक था, अब क्या है निज नाम श्री जी साहेब सबका एक है, उसमें कोई धर्म की अर्थन किसी के वास्ते है ही, सबका साहेब, उसमें हिंदू मुसलमान की तमीज की कोई जरूरत है। मानो कोई क्रिश्चियन बैठा है अंदर ऑफिस के, तो हम क्या पूछते हैं कि क्रिश्चियन बैठा भाई साहब है? हाँ ये चिक उठाई और अंदर, हिंदू आए तो मुसलमान आए तो सिख आए क्रिश्चियन आए, वो सबका साहेब है। ये वर्ड ही ऐसा है कि भविष्य के ग्रंथों में लिखा था साहेब आएगा, अब साहेब के सामने कोई भेष भाषा का चिन्ह ही नहीं है। जब कहे के कहो तुम और कहो ऐ बादशाह सलामत, जैसे तुम मुसलमानों को बच्चों की तरह बुलाते हो, हिंदुओं को भी उसी तरह से बच्चों की तरह से बुलाओ। तब काजी हजरत और तुम, अब फिर पासा पलटा कि तुम जब उनको बुलाओ, ए काजी साहब नहीं बोलना, काजी साहब हजूर अली गरीब परवर बंदा नवाज आली जा, आप तो हमारे मुरब्बी हैं, इतनी शोभा युक्त शब्दों से बुलाना, इनसे तुम यही कहो, उनसे तुम यही कहना, बात सुनो हमारी एकांत। फिर औरंगजेब की बात आ गया, एक एक छुपाई को पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि ऐ बादशाह सलामत जब भी तुम उसको मुसलमान अंग्रेज बादशाह से बातें करो, जो कोई आवे हमारा क्या कहना कि ऐ बादशाह सलामत, ऐ औरंगजेब अगर कोई हमारा हिंदू आता है उनको गोश्त न खिलाओ, तलवार के जोर से मत डराओ, हमारे पास भेजो, हम उनको बताएंगे कि मोहम्मद कौन है, अल्लाह ताला कौन है, और सारी बातें हम समझाएंगे जिस तरह से हमको हादी ने समझाया है। और आज हम अक्षातीत कहने में अल्लाह ताला कहने में हम नहीं डरते, क्योंकि हमको समझ लग गई है कि ये केवल भाषा का भेद है। अक्षातीत कहो या अल्लाह ताला कहो एक ही बात है, भाषा का अंतर है। जैसे हिंदी में पिताश्री कहते और इंग्लिश में फादर कहते, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, अर्थ एक है। सुनावे सनंदे पुराने, तब हम उनको बिठाएंगे, पहले वेद शास्त्र पुराणों से बातें बताएंगे कि परमात्मा एक सच्चिदानंद है, फिर कुरान से बताएंगे कि उसी को अल्लाह ताला कहते हैं, सनंद से सारी ग्रंथ का नाम है, वाणी के अंदर सनंद ग्रंथ है, उसको समझा देंगे। फिर जब उसको पता चल जाएगा अरे श्री कृष्ण और मोहम्मद तो एक ही है, तो उसको मोहम्मद पर यकीन लाना फिर कुछ भी कठिन है नहीं लगेगा, वो समझ जाएगा कि भाषा के केवल अंतर है। जिनको होए पहचान, तब उनको जाके कहीं पहचान हो जाएगी, तो अल्लाह पर विश्वास लाने में उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। जिन बात हमको, जिस तरह से हम भी पहले कर्मकांडी थे, सब कुछ था, हमको श्री प्राणनाथ हादी ने ये सारा कुछ समझा के यकीन दिला दिया, और आज हम कुरान पर यकीन रखे बैठे हैं। इसके अंदर हमारे परम धाम की निशानी है, इसके अंदर हमारे प्राणनाथ जी की पहचानी है कि आखिर जमा इमाम मेहंदी करके लिखा हुआ है, श्री महाराज ने स्वामी जी ने जिस तरह से हमको ये यकीन दिलाया है, जो हम रसूल देखाए के, इस तरह से हम उनको रसूल की पहचान करा देंगे, आप चिंता मत करो। यो करे इस्लाम का काज, अब देखो कि तुम भी इस्लाम का काम कर रहे हो पर तुम्हारा सीधा नहीं हो रहा, क्योंकि तू जबरी गोश्त खिला के तलवार के डर से खिलाते हो, और स्वामी जी ने हमको कोई गोश्त तो नहीं खिलाया, कोई हमको तलवार का डर नहीं बताया, ज्ञान के द्वारा हमारी अज्ञानता को हटा दिया है कि भले कोई हिंदू है या मुसलमान है पर जिसको परमात्मा कहते हैं वो सबका एक है।
सिर्फ फर्क कितना है कि हम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मक्षातीत कहते हैं, वो अल्लाह ताला कहते हैं। ये स्वामी जी ने हमको भेद बता दिया है, अब हमें पूरा यकीन है। हम सो मुलाकात करें, उन हिंदुओं को हमारे पास भेजो, हमारे से मुलाकात करें, हम उनको सत्संग सुनाएंगे, हम उनके भेद जो हृदय के हैं उनको मिटाएंगे, खाए पिए हम में और हमारे पास रहेगा, खाएगा पिएगा, साफ दिल होए रसूल पर, फिर हम उसके दिल की मलिनता द्वितीय भाव जो है वो हटा देंगे, फिर उसको यकीन आ जाएगा इस्लाम से। और उनका जैसे हिंदू धर्म पर यकीन है वो इस्लाम पर भी यकीन रखेगा कि ओहो ये तो भेष भाषा रस्मों रिवाजों की लड़ाई है, लोक राज के बंधन पड़े हुए हैं, परमात्मा तो सबका एक है। तब कलमा कहे मुख से, फिर चाहे उन्हें कह देना नहीं नाम श्री कृष्ण जी तो कह लेगा, या कलमा कहलाओगे तो कह लेगा, क्योंकि उनको पता है परमात्मा एक है, लैंग्वेज का फर्क है, उसके हृदय में जो गांठ लगी है वो खुल जाएगी, मांगे नहीं तुमसे। और है बादशाह समझने की बातें, आज तो तुम बड़े बड़े सिपाह सलारों को लालच देते हो, अरे कलमा पढ़ ले तुम्हारी प्रगति कर देंगे, कलमा पढ़ ले इतना पैसा दे देंगे, जब उनको पहचान हो जाएगी तो फिर वो कुछ भी तुम्हारे से मांगेगा नहीं, उसको ज्ञान हो जाएगा, अज्ञानता हट जाएगी, आस तुम्हारी ना करे। और कभी तुम्हारी आस भी नहीं रखेगा कि आशा के चलो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले बड़े हो जाएगा ना, फिर वो मिथ्या जगत की तमन्ना आज कुछ भी नहीं लेके चलेगा। ना डर दिखाओ उन्हें, पर एक बात करो कि उनको डर ना दिखाओ, जब तुम डर दिखाते हो तलवार दिखाते हो मांस खिलाते हो, तुम्हारे डर से वो कलमा कह तो देता है पर उसका दिल तो निर्मल नहीं होता, वो ये दिल से तो यकीन नहीं लाता। और जो तुम जाहिरी खिलाने लगे गोश्त तलवार के डर से खिलाओगे तो डिगना आवे, इसलिए हिंदू जो है डर के मारे तुम्हारे नजदीक नहीं आते, बड़ा दोष होवे इनसे, ये बड़े पाप की बात है। बादशाह सलामत इसको बंद करो, जैसे महात्मा गांधी ने कोई अंग्रेजों के साथ युद्ध तो नहीं किया, नहीं तो वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री उठाइए, क्या कोई ऐसा कंट्री है जिसने बगैर युद्ध के लाखों आदमी को मरवाए बिना आजादी लिए? एक महात्मा गांधी का ज्ञान था, वो कौन सा ज्ञान था? प्राणनाथ जी की वाणी आज भी पोरबंदर देखो, इस दीवार के साथ यदि ये मंदिर है तो इसके साथ वाला मंदिर प्राणनाथ जी के मंदिर है, और महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखा है, छपा भी हुआ है सत्य दर्शन के अंदर, उन्होंने अपने बालपने की अवस्था बताई है, गांधी पिक्चर के अंदर भी है कि जब उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेंड पोरबंदर पहुंचता है तो उस समय महात्मा गांधी दरिया के किनारे एक बकरी की टांग पर पट्टी बांध रहे थे, तो वो पूछता है अरे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ मिनिस्टर मिस्टर मोहन व्हाट आर यू डूइंग, कहते भाई मेरा देश एक दरिया के समान है, इसमें सब रहते, जुदा जुदा जानवर है, मछली भी है, संसार भी है, कछुए भी हैं, सब रहते पर अनेकता में एकता के रूप से रहते, इसी तरह से मेरे देश के अंदर जो है सब प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, हजारों धर्म है, हजारों भगवान है, फिर भी अनेकता के बाद एकता है। ये ज्ञान, फिर आगे क्या कहते हैं, ये ज्ञान मेरी माता पुतलीबा बचपन में मुझे मंदिर ले जाती थी और वहां का पुजारी गीता भागवत और कुरान रख के परमात्मा की पहचान कराता था, पर उस समय मेरी समझ में आया नहीं, अब मैं कुछ कुछ समझने लगा हूं प्राणनाथ जी की वाणी। और ये जो सूत कातना कहां से सीखा, कातनियों के विकरण से, आश्रम बनाना कहां से सीखा, स्वामी की वाणी से, सेल्फ सफाई करना हर जगह जाके कहां से सीखा, स्वामी की वाणी से, एक ने समझा और समझ के चल के दिखाया
और आज ये करके दिखा। स्वामी जी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब उन सुंदर साथ को कह रहे हैं तुम बादशाह को ये सिखापन देना। तब रसूल पर तब सारा कोई हर कोई रसूल को भी समझ जाएगा, पार ब्रह्म को भी समझेगा, सबको यकीन आ जाएगा कि हो ये जुदा जुदा नहीं है, परमात्मा तो सबका एक है, पर जुदा जुदा लैंग्वेज में जुदा जुदा नाम लिख दिया है। अब हिंदुओं को अल्लाह से डर लगता है और मुसलमान क्षतीत नहीं कह सकते, केवल ये दीवारें कर्मकांडों की और शरीयत की बन गई हैं। तो स्वामी जी ने कहा हिंदू ना छोड़े कर्मकांड और ना शरीयत, मुसलमान यूं सुनाए सुनाए सबको बना दिया बेईमान, इसको तोड़ दो। तो आत्मा सबकी एक है। कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल, कर्म कांड ये सब देह से है, आत्मा इनसे परे की बात है। तब फुरमाया क्यों ना करे, तब है बादशाह सलामत, जो लिखा है कुरान में कौन नहीं जाता कि मेरा भला हो जाए। केवल डर ना दिखाओ किसी को, डर से या उस तलवार से कोई किसी के धर्म को अडॉप्ट नहीं करेगा। आवे हुकम तले सब सोए, और जिस तरह से आज हम यकीन लाए कौन अपना भला नहीं चाहता, सब आ जाएंगे यहाँ चरणों में। हम पहले मिला किया, और है बादशाह सलामत हम चाहते थे कि हम हिंदू भेष में रहे, शेख सुलेमान से जो है हमने मुलाकात की कभी हमें तुम औरंगजेब से मिला दो, पर उसने दो महीने तक वायदा किया नहीं मिलाया। उसके बाद शेख निजाम आपका राजगुरु जो है, शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, और उसके बाद रजवी खान जो आपके दरबार का दीवान है, और आकर खान जो कुरान का सबसे जानने वाला है, सीधी पुलाज जो कोतवाल पुलिस का सब हेड है, हमने उनको कहा लेकिन किसी ने भी तुम्हारे से हमारी मुलाकात नहीं कराई। तब देखा कि शरीयत जोरावर है और लाचार होकर हमको ये भेष पहनना पड़ा। अब इस भेष को पहन लेने के बाद हिंदू हमारे से डर गए हैं, कभी ये तो मुसलमान हो गए हैं, नहीं समझे। हरिद्वार तक तो चर्चा सब कोई नया सुंदर साथ आता है ना, बड़े आराम से सुनता है, फिर जब दो तीन दिन सब कुरान का ही विषय चलता है, भाई ये बड़ा है ये, बीच में इन्होंने कुरान क्यों घुसेड़ दिया, हमारा कुरान से क्या मतलब, हमारा मतलब कुरान से है, हमारा मतलब बाइबल से है, हमारा मतलब सिखों की वाणी से है, क्योंकि अगर वहां पर कोई आत्मा है तो किससे समझेगी। अमृतसर गए, वहां ओपन मंच लगा, तो वहां हमने उनके ग्रंथ से ही पहचान कराई, तो सिख लोग भी सुंदर साथ बन गए। यदि हम उनके ज्ञान को जानते नहीं है तो फिर हम वहां फंसी हुई जो उस तन में आत्माएं होंगी कैसे निकालोगे। इस रास्ते जो है ये नॉलेज है, ये ना समझो कि भाई कुरान की चर्चा हो रही है तो हम मुसलमान हो गए या सुंदर साथ को मुसलमान बनाते हैं। तो बताओ जरा मेश भाई जी के घर को लौटे देखे आपने नमाज पढ़ने वाले, बोलो तो खरा भाई है। अगर हम सबको मुसलमान बनाते हैं, क्योंकि कई लोग प्रचार करते उनकी चर्चा ना सुनना वो मुसलमान बना देंगे, कौन बना भाई मुसलमान, कौन बना, हम सारे मुसलमान हैं। ओ घबरा नहीं जाना, मुसलमान का अर्थ क्या है, जिसका यकीन पार ब्रह्म पे पूरा है, पक्का यकीन, इतले मुसल्लम ईमान, पूरे यकीन वाले हैं वो मुसलमान। वो जो मांसाहारी है वो मुसलमान थोड़ी, ये मतलब है। स्वामी जी कहते हैं जब तुम सारे भेद समझ जाओगे तो फिर हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या क्रिश्चियन है, तुम्हें किस बात का डर है। चलो क्या हो गया, शेख सुलेमान के वो बता दिया ना सब, शेख सुलेमान से मिले, काजियों से मिले, उन्होंने किसी ने हमारी मुलाकात नहीं कराई, इसे तुम निकालोगे। और फिर है औरंगजेब, जब उन सबको पहचान हो जाएगी ना,
अब तो तुम कहते आओ, कोई आता नहीं। जब पहचान हो जाएगी तो तुम धक्के भी मारोगे तो कोई जाएगा नहीं। पहचान कराओ उनको, उनके मन के शंसे मिटा दो, ये जुदा जुदा रस्मों से उनको निकाल दो। पहचान कराओ वो एक अल्लाह जो है, एक परमात्मा जो है, वो कौन है और उनके साथ हमारा नाता क्या है। सब दौड़ेंगे आप ऐसे, तब जो है सारा भाग भाग के, कौन अपना भला नहीं चाहता, कौन अपना कल्याण नहीं चाहता, कौन दुखों में मरना चाहता है। इस्लाम और इस निजानंद संप्रदाय में दुनिया भाग भाग के जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, हिंदी में उसी को निजानंद संप्रदाय कहते हैं। जो फरमाया रसूल का, और जो फरमाया किसने, श्री राजी महाराज ने कुरान में लिखवाया, जिसको रसूल साहब ने जाहिर किया, सिर चढ़ा देता तब उसी वक्त सारे सिर चढ़ा लेते। हमारा साथ बहुत है। और है बादशाह सलामत, हम तो केवल 12 जने हैं, हमारा बहुत तो सुंदर साथ अभी बाकी है। आवे दौड़ के सब, सब दौड़ के आ जाता। श्री महाराज तीन को, अब ध्यान देना, स्वामी जी ने हमको हिंदुओं को, हिंदुओं वाले बात हिंदुओं के ग्रंथों से और मुसलमान वाली सारी बातें, सुंदर सा जी पढ़ के देखो कभी कुरान को, परम धाम का वर्णन है, श्री जमुना जी का वर्णन है, हाउस कौशल का वर्णन है, रंग महल नवभूम दसवीं आकाशी का वर्णन है, सारी बातें किसने हमको बताई है, स्वामी जी ने आके सारे भेद हमारे मन के शंसे मिटाकर हर ग्रंथों को एक करके पहचान किसकी कराई, अक्षरा तीत की कराई है या रसूल पर ईमान। और हमें पता चल गया कि स्वामी जी वाणी क्या कहती है, वो सुंदर साथ तुम ना घबराना, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं देखो अरवाहें अर्श की जिन जाना तुम। हिंदू तो भूले पड़े हैं पर ये सोचो, ध्यान दो, परम धाम में चार चीजें, राज्य शमन, 5 मिनट बाकी हैं, अब जरा आंखों को चुस्त कर लो, सोने का टाइम नहीं, बोलो श्री प्राणनाथ, राज्य श्यामा जी, सखियां और अक्षर, चौथा और तो कोई नहीं। अब अक्षय ब्रह्म ने, श्यामा जी ने और सखियों ने खेल मांगा कि नहीं, वो आ गए फरामोशी में, जागता कौन है, एक राज्य महाराज। अब उसने यदि टपाल भेजनी है किसके हाथ भेजी, किसके हाथ भेजी, पांचवा तो कोई है नहीं, तो खुद टपालिया ना भेष बदल कर आया और टपाल देंगे, किसी को पता नहीं चला के कौन आया, पूछे कि बहन टपालिया आज, हाँ आया था हमारी चिट्ठी, कौन था भाई, ये तो मैंने खबर नहीं, टपालिया। इसी तरह से अरब में कौन आया मुसलमानों को भी पता नहीं, टपालिया है, टपालिया कौन था, खुद अक्षरा तीत भेष बदल के आ गया, टपालिए की ड्रेस पहन ली, चिट्ठी बांट गया, किसी को पता ही नहीं चला के कौन आया और क्या है, ये है कुरान। अब राज्य महाराज आएंगे कोई किताब लेके तो कहां की लाएंगे, परम धाम का ही तो ज्ञान लाएंगे या कुछ और, अब मुसलमान उसको समझ नहीं पा रहे, हम खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे प्राणनाथ हमारे परम धाम का ज्ञान ये किसने दिया, स्वामी जी ने आकर ये सारे भेद खोल करके हमको बताए हैं। पर हम पर कसाला पड़ा, पर ऐ बादशाह अब भी बहुत लोग हमारे आ जाते पर हम पर कसाला, तुम्हारे काजियों ने तुम्हारे कोतवाल ने हमारे पर इतना जुल्म ढाया, बताओ डर के मारे कौन जो है इसको स्वीकार करेगा, साथे हटे न ले आवे पहचान, फिर भी कितना मारा है तुम लोगों ने, फिर भी हम यकीन तो नहीं छोड़ा, पीछे तो नहीं हटे। इसी तरह से जब सब दुनिया को पहचान हो जाएगी तो धर्म से कोई भी पीछे हटेगा नहीं, खुद को अब भाषा को कह रहे खुद को पूछो, खुद को पूछने का क्या मतलब कि जो तुमने काजी की ड्यूटी लगाई थी उनको सारे शंसे हमने मिटा दिए हैं, अब उससे पूछ ले, वो तो तेरा आदमी है ना भाई, वो काजी तो तेरा आदमी है, हमारा तो नहीं है, उससे पूछ लेना, वो तेरे सब शंसे मन के मिटा देगा,
कि 11वीं सदी में आखिर जमा इमाम मेहंदी और अल्लाह ताला श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। तुम जानो क्यों समझाओ, और जिस तरह जो है समझना चाहते हो काजी से पूछ लो, उनको खुद शम से हमने बैठ के मिटा दिए हैं। जो दाखिल हो ताकि जब स्वामी जी कहते हैं औरंगजेब को जो है स्वामी जी की वाणी देनी है, जब उसके शंसे मिट जाएंगे तो वो भी स्वामी जी के चरणों में आ जाएगा। इन पर जोर जुलाम ना करें। अब फिर पासा बदला कि है औरंगजेब बादशाह, कुल समाज हिंदू भी आ जाती पर इंस्ट्रक्शन इशू कर दो, आज के बाद किसी हिंदू पर जुलम करना। वाणी से स्वामी जी ने जो है उसका सिर झुकाया, लड़ाई युद्ध से ये काम नहीं होते हैं। ना पकड़े कलमे को, इस वास्ते जो है कोई तलवार के जोर से या डंडे के जोर से या किसी को गोश्त खिलाओगे तो कोई कलमे को नहीं समझेगा। हदीसा देखे होए, हाँ जब वाणी से समझा दोगे, मन के शंसे मिटा दोगे, तो कौन आदमी है जो अपना भला नहीं चाहता। कलमा कहने में, फिर उसको जो है अक्षातीत कहने में या अल्लाह ताला कहने में कोई भी फर्क नहीं लगेगा। कोई पकड़ काहू की ना करे, अन्यथा कोई किसी के धर्म को कोई नहीं लेना चाहता ना पकड़ना चाहता है। ठोर समझावे से, हाँ जब ठोर ठोर समझा दोगे, हर बातें समझा दोगे, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको कुरान से, और उनको फिर कुरान के भेद समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सब करे हम जेर, कहना कि हम उनको जेर करेंगे, हम बताएंगे उनको, हम प्यार से समझाएंगे। ये तरीका प्राणनाथ जी का है समझाने का, तुम तलवार और गोश्त से करते हो, कोई हिंदू डर के पास तुम्हारे आता नहीं है। और लिया में सबन को, और सबको एक जगह, सब दुनिया मिलसी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा। तब आवे श्री महाराज, तब स्वामी जी यहाँ आ सकते, अन्यथा नहीं, उससे पहले, क्योंकि बड़ा दंड पड़ा उनको कि बताओ उस हादी का कौन है, तुम्हारा कहाँ रहता है। कहते टुकड़े टुकड़े कर दो, हम नहीं बता सकते। कहते जब यूं एक रास हो जाओगे फिर वो खुद ही प्रकट हो जाएंगे दुनिया के सामने। तब आवे वो फकीर, वो फकीर जो है हमारे हादी प्राणनाथ जी आ जाएंगे। जहाँ तुम आज खड़े हो यहीं पर भी आ जाएंगे। ये भी वही इस्लाम है, ये दीन इस्लाम। स्वामी जी कहते हैं तुम भी दीन इस्लाम चला रहे हो, मांस खा के मीट खा के, ये धर्म नहीं है। हम भी आए कुरान को समझ गए, यकीन लाए, लेकिन कौन के रास्ते से, जो प्राण राशि ने प्यार से शमसी मिटा के सबको एक रस किया है। हम खड़े उन पर सब, और हम यकीन लेके खड़े, टुकड़े टुकड़े भी कर दो आज हमारा ईमान नहीं गिर सकता। तुम चाहत दीन मोहम्मद का, तुम भी दीन मोहम्मद चाहते हो पर तुम्हारा मेथड रॉन्ग है, इसको बंद कर दो, किसी हिंदू पर जुलम ना करो, सबको प्यार से देखो। और स्वामी जी ने भी तो यकीन दिलाया, लेकिन वाणी से शंसे मिटा के एक रस करके दिखाया है। बड़ी करत तलब है, तुम्हारे दिल में बड़ी चाहना है कि हम हिंदुओं को मुसलमान बना ले। ए औरंगजेब, ये होने वाला नहीं, अपना मेथड बदलो, अपना तरीका बदलो। चाहिए कुवत हक सुबान की, और फिर तुम्हें अभिमान है कि मैं राजा हूँ, मैं ताकत से सबको बना लूंगा। नहीं, खुदा के काम के लिए ताकत अपनी अकल अपने जोर से, काम खुदा का नहीं हो सकता। माया के काम तुम अपनी अकल जोर से कर सकते हो, खुदा के कार्य के लिए उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का सब कुछ जब लेके चलोगे सब काम हो जाएंगे। फकीर करत जो काम, बस जो कौन काम कर रहा है श्री ब्राह्मण, बस बंद कर दो, चलिए चुपाई पूरी। और वो सब हिकमत से होगा, युक्ति से होगा, दंडे से नहीं होने वाला। रास होए इन ठाम, फिर क्या होगा, रास होए इन ठाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक शिव जी के चरणों में आ जाएंगे। हाँ हाँ, चाहिए कुवत हक सुबान की, धर्म कार्य में क्या चाहिए, चाहिए कुवत हक सुबान, राज्य महाराज की शक्ति ज्ञान से ही ये काम होगा। चलिए, चाहिए कुवत हक सुबान, चाहिए कुवत हक सुबान की, फकीर करत जो काम, सो तो सब हिकमत से, रास होवे इन ठाम।
क्यों ना आवे कदम मोमिन। अब श्री राज्य में अपने 12 मोमनों को सिखापन दे रहे कि तुम इस तरह से जो है औरंगजेब को समझाओ कि जिस तरह से अगर तुम गोश्त खिला के तलवार के जोर से धर्म का प्रचार इस्लाम का करना चाहते हो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह से हमें हादी श्री प्राणनाथ जी ने सब कुछ समझाया है, अगर ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो फिर हिंदू और मुसलमान एक रस एक रूप होकर के उस एक पार ब्रह्म का सुमरण लेंगे और उनके चरणों में तले आ जाएंगे। इस वास्ते तुम क्या करो, जब करके बुलाओ लड़के, ये औरंगजेब को सिखा पन लो कि तुम राजा जो होता है, बादशाह जो होता है, सब प्रजा का पिता के समान होता है, तो हिंदुओं को तुम जबरदस्ती डंडे से व्यवहार करते हो, गोश्त खिलाते हो, मुसलमानों से कितना प्यार करते हो, तो वो भी तो तुम्हारी प्रजा है, इस वास्ते उनको भी उसी तरह से प्यार करो। तब समझाओ तीन को, और फिर समझाओ ने और फिर ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं किसको समझाओ, औरंगजेब को, कि तुम इस तरह से जो है मत व्यवहार करो, हिंदुओं पर जुल्म मत ढाओ। और बहुत कह के, और स्वामी जी कहते हैं ज्यादा भी आपको क्या कहूं, या ज्यादा भी कभी औरंगजेब को नहीं कहना, रुचुता रुचुता जितना वो सुने सहन करे उतना समझाना, मत न जानो तुम, और अधिक बता कहने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कहियो, थोड़ा थोड़ा कहते रहना, फिर लिख कर भेजे हम, और फिर अगर और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिख करके भेजता रहूंगा। स्वामी जी कह रहे हैं पर एक बात बड़ी, एक बात बहुत ही अच्छी होगी कि तुम्हारे ऊपर उनका विश्वास हो गया है कि ये इमाम मंदी प्राणनाथ जी के आदमी हैं। अपना भी वेश रख के, और आप देखिए कि पहले तो काम करना था इसलिए मुसलमानों की पोशाक पहनी थी, लेकिन ये ना समझ लेना हमें तन राज्य महाराज ने हिंदू का दिया है, उस हिंदुत्व को जो है हमने अवश्य कायम रखना है, और हिंदू के भेष से, और हिंदू के भेष से कोई नहीं है काम, क्योंकि ये क्यों भेष बदला, क्योंकि हिंदुओं के भेष से 8 महीने तक धक्के खाते रहे तो औरंगजेब तक पहुंच नहीं सके, इसलिए भेष बदला है, ना कि हमने को अपना धर्म बदल के रख दिया था, क्योंकि इस भेष के साथ उसके दरबार में जाया नहीं जा सकता था, प्रतीत ना करे इस्लाम, और कभी भी वो यकीन भी ना करता हमारे ऊपर, और ना जब यकीन ही ना आता तो फिर बात कैसे सुनता, ना मजलिस बैठे, और कभी हमारी चर्चा में बैठता ही नहीं, तो होने का नहीं, स्वामी जी कहते हो तो कभी भी नहीं होगा कि तुम हिंदुओं के भेष में जाओ और मुसलमान तुम्हारी यकीन बात पर विश्वास करे, कभी नहीं, और अगर उन जैसा रूप बना के जाओ जाते बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम कह दो, समझेंगे ये भी मुसलमान भाई है, इस वास्ते तुम इनके सेवक बन के, जैसे देखो बार बार कितनी अपेक्षा है कि आज हम उनके हुक्म पर चल रहे,
कि जब चर्चा सुनाओ किसी को भी तो अपने को बड़ा बड़ा ना समझो, जैसे सब सुंदर साथ होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, उस भाव से वहां रहना। एक मित्रपना करो इनो से, और इनसे क्या मित्रपना करो, तब ये पहचानोगे हक, तब ये पहचानेगा हक, तब जो है उसको राजीव राय के संसार में आने की, प्राणादि के सुख की पहचान होगी। तुम होवेगे मुरीदा उनके, तुम होगे हाँ, यदि तुम उनके मुरीद बन के बैठोगे तब होवे सब काम, तब सब काम होगे। सुंदर साहब जी, यदि तुम चर्चा सुनाते समय सेवा भाव लेके जाओगे, सब जगह तुम्हारे काम हो जाएंगे। अगर तुम हिंताचारी ग्रंथाचारी बन के जाओगे, कुछ तुम्हारे हाथ से आत्म जागृत होनी ही नहीं है। पर ये आस्ते आस्ते हो वही, पर ये काम तुम्हें उतावल है, जल्दी क्यों नहीं जागरणी हो जाती। कहते कंठी बांधने वाला काम नहीं है ये, कि कंठी आप ही दे दी और गुरु जी बन के बैठ गए। किसी की आत्मा को जगाना ये काम धीरे धीरे होता है। एक बार चर्चा सुनता है वो, दो बार सुनता है, फिर शमसे होते हैं, फिर उसके हृदय के शक जाते हैं, तब कहीं वो तैयार होता है। ये काम ऐसा ऐसा होता है, जब ऐसी बात को कबूल करे मुख से, जब वो स्वीकार कर ले कि हाँ ये बिल्कुल जो कुछ आप कहते हो, कुरान के माफक कहते हो, मैं स्वीकार करता हूँ, तब फिर भी उनको जो है ये ना सोचना हमारे सेवक बन गए, प्यार से ही बात करना, बेले रहियो इनमें, और क्या कहते हैं, इनको छोड़ना नहीं, इनके अंदर ही मिल करके रहो। तुम हिंदुओं के भेष, और अब आइए दूसरी तरफ, और हिंदुओं के भेष से कभी भी डरना नहीं, जिन करो शर्म, शर्म मत करना कि हिंदू क्या कहेंगे, हमने पोशाक ही तो बदली है, हमने को धर्म थोड़ा छोड़ दिया है। पहले ही तुम सिर बना शर्म का, आज सामाजिक कहते हैं पहले ही तुमने तो शर्म को उतार करके खूंटी बता दिया, सिर तोड़ दिया, फिर तुम्हें किस बात का डर है। हम शरीर से कपड़ों से हिंदू है या मुसलमान है, आत्मा एक है। कोई तुमको मिले, और अगर कोई हिंदू मिले कहने जा रहे जा तुम्हारा क्या धर्म है, तुम तो मुसलमान हो गए, कहने उन्हें कहना अच्छा हम मुसलमान है ना, और तुम हिंदू, आखिर पहले हमारे से तू बात कर, और डट के जवाब देना, अरे तुम हिंदू बने फिर तुम्हें पता ही नहीं है हिंदू धर्म कहते किसको है। तुम तो आग पानी पत्थरों को पूजने वाले हो, क्या हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आग पानी पत्थरों को पूजो, पकड़ लेना उसे के बैठ, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, तू हिंदू कहां से है, देखो सब शास्त्रों को, कहना आ जा पहले सारे शास्त्रों को देखो, गीता को देखो, आदित्य पुराण को देखो, भागवत को देखो, और तुम्हें सब कुछ पता है। उन्हें पूछो कि गीता क्या कहती है, कौन परमात्मा है, उत्तम पुरुष परमात्मा है, क्या तुम उत्तम पुरुष को मानते हो, जब मानते ही नहीं हो तो फिर तुम हिंदू कैसे हो। भागवत खोलो, भागवत में क्या लिखा है कि परमात्मा अक्षरातीत है, और तुम अक्षरातीत को जानते नहीं, तुम तो आग पानी पत्थर की पूजा गंगा की करते फिर तो, तुम्हें क्या पता हिंदू धर्म क्या है। तो मत सबन की, और सबकी मता तो लो, जो ग्रंथों से उनको बताओ, सलाम, और कहते हैं ज्यादा बने फिरते हो, तुम्हारे बड़े से बड़ा भगवान आदि ने क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार है, नेति नेति है, और रसूल साहब ने आके कहा कि मैं खुदा से मिल के आया हूं, मैंने उनकी अमृत सूरत देखी है और उनके माहौल बगीचे जो ये देखा है, फिर देखो क्या तुम्हारा नारायण आगे तक की बात नहीं करता है, बस ये सनंद उठा के उन्हें बताओ, नबी नारायण की, नबी और नारायण की सनंद बताओ उनको, तब होंगे शर्मिंदे, तब शर्मिंदे हो जाएंगे। तुम करो चर्चा, सामाजिक कहते हैं डरो नहीं, हिंदू आए तो हिंदुओं की और मुस्लिम मुस्लिम की, तुम्हें सब दुनिया का जो है साथ तुम्हारे मुट्ठी में है वो तारतम के द्वारा, ये तो सब में रस में। सामाजिक कहते हैं ये सब हिंदू मुसलमानों में आपस में रस में रीतियां, हमारे वडला करते थे, इसी में मर जाएंगे हिंदू खोड़े होकर, वो इसको छोड़ ही नहीं सकेंगे, और उधर मुसलमान अपनी रीति रिवाजों में मरा हुआ, देह की रीति रिवाज है, आत्मा की नहीं होती, लगे
लड़त है अहंकार और उसे अहंकार उनका गुमान लड़ता है। जब फुरमान के मायने और जब फुरमान के कुरान के मायने खोल के रखोगे जाहिर खोले परवरदिगार कौन कुरान में लिखा हुआ है कि जब इन बातों के मायने जो खोलेगा वही खुद खुदा होगा तब सब शर्मिंदे होंगे कहे न कामों को गुमान किसी का है गुमान है का रहने वाला ही नहीं है जो बसवसा छाती पर अब उनके हृदय में जो बसवसा अहंकार अभिमान गुमान रहता है करत है शैतान ये शैतान का काम है दज्जाल अंदर बैठ करके गुमान अहंकार देता है पकड़ बैठे अंधेर को वो अंधेर को ही पकड़ के बैठे रहेंगे उसकी आत्म जागृत कहाँ से होगी और बढ़ता गुमान और उससे उनका अहंकार बढ़ता जाता है तो सबे गल जाएंगे स्वामी जी कहते हैं जब इस तरह से तुम सबको वाणी से समझाओगे सब शर्मिंदे हो जाएंगे और मारेगा शैतान और शैतान भी मरेगा तब सिर नीचा करके ध्यान देना स्वामी जी कहते हैं आज तो बड़े हिंदू अकड़ पकड़ रहे हैं ना अंत समय जब स्वामी जी की सब वाणी रोशनी जाहिर हो जाएगी तो भेड़े चलती ना भेड़ वो मुंह ऊपर करके नहीं चलते जब शाम को आता है ना तो क्या होता है सिर नीचे और एक दूसरे के सिर में सिर छुपा के पीछ में चलते हैं और फिर क्या करते हैं भैं चलो अब सब जमा हो गए अब सब इकट्ठे हो जाएंगे तुम देखते चलो जरा पर इन्होंने सारा कुछ उल्टा ही पकड़ रखा है हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी दरवाजा इस्लाम का और जो दरवाजा परम धाम का है कुंजी गंज खुदाई उसकी चाबी क्या है तारतम ज्ञान वो तो तुम्हारे हाथ में तो फिर ये जाएंगे कहां जब उस महर्षि अजीम का रास्ता की चाबी आके आपको तारतम ज्ञान दिया है तो हक्के महर कर और ये तपस्या से नहीं मिलती ये भक्ति से नहीं मिलती ये दान पुण्य से योग साधना से कुछ नहीं मिलता ये श्री राजीव राय ने मेहर करके आपको बख्शी है तुमको पहुंचाए तुम्हें ला करके दे दी है श्यामा जी के द्वारा तुम सिर ऊंचो देखियो इस वास्ते तुम कभी किसी के सामने डरना मत हमेशा राज्य की मेहर को लेकर के सिर ऊंचा करके चलना जिन नीचा देखो तुम के नीचा नहीं अपने आप को देखो कभी भी जो तुम पर एक दोष बदले एक दोष के बदले तो दावा लेते कुम किस दोष का बदला कभी हिंदू होके कपड़े तो बदले और तो कोई बात नहीं तो उनको कौन तुमने क्या कर रखा है ये जो तुमने जनेऊ पहन रखे हैं टीके लगा रखे हैं मोती रख रखी है शरीर वाली जो है आत्म का ज्ञान बताओ गोविंद बेड़ा तुम जानत स्वामी जी कहते हैं कि ये सारा संसार गोविंद बेड़ा है आपको बल ना चले लगे इसलिए उनका सत्य के सामने बल कभी नहीं चल सकता एक 5 वर्ष को बाल स्वामी जी कहते हैं फिर इनकी शक्ति क्या है ध्रुव और प्रहलाद कितने वर्ष के थे 5 वर्ष के और क्या क्या उन पर जुल्म नहीं ढाया अग्नि के थम्भों के साथ इन्होंने लगाया और फिर अग्नि भी मैं भी बैठ के जलाया लेकिन उसका बाल भी बीका कर नहीं सके ये तो इनके औकात है तुम साथी शिरोमणि और तुम साथी शिरोमणि हो राजी महाराज के अंग हो तुम्हारा ये बिगाड़ कह सकते हैं एक दूसरे से सिरदार और एक दूसरे से सरदार हो गोविंद बेड़ा तुम क्या इस वास्ते ये माया वाले तुम्हारा बिगाड़ ही कह सकते हैं हक्के पहले किए खबरदार राजी महाराज ने पहले हर प्रकार से आपको चुस्त निपुण कर दिया है अब तुम तो जने बार हो स्वामी जी कहते हैं ये ना सोचना अरे यार दुनिया की संख्या तो बहुत घनी है और हमारे तो थोड़े से कहने भी चिंता मत करो अभी गिनती के 12 हो ना 12 के 12,000 आप में आकर के मिलेंगे और बाकी तुम सो और जो डर गए हैं इस समय मौत से कि भाई ले मर गए अब तो औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ेगा कहेंगे वो भी कहीं नहीं जाएंगे कहाँ जाएंगे वो जब तुम इस काम कर को आ जाओगे तो वो भी भाग भाग के फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे और भी आम मिलेंगे चिंता मत करो सब एक हो तुम और फिर शोभा किसकी जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्हीं की शोभा होनी जो भाग के चले गए स्वामी जी को छोड़ के उनकी क्या शोभा होनी है अब तो तुम 12 हो सर सुंदर साहब जो है तुम्हारी रहने को देख करके आके चलेंगे और ताबे तुम्हारे होएंगे और
सब बाकी तुम्हारे तावे होके रहेंगे, बोल भी नहीं सकेंगे तुम्हारे सामने। तुम हो सिरदार इस वास्ते क्योंकि तुम सरदार हो। कौन जो कुर्बानी करता है शोभा राज्य महाराज देते हैं। तुम अपने सुखन को इस वास्ते तुम अपने वचनों को वाणी को अब जाहिर करो। तुम जाहिर करो वाणी को, छुपाने वाली वस्तु नहीं है ये, जाहिर कर दो सारे संसार के अंदर, ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे पर हमको किसी ने बताया नहीं। पर इतना काम तुम्हारा है, बाकी कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे है तुम्हारा काम नहीं। सबको बता दो कि प्राणनाथ कौन है और वो आ चुके हैं गाम गाम देश देश, और फिर ये चर्चा ये पहचान गांव गांव देश देश, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान भागे चले आएंगे, कदम तुम्हारे बंद ही और तुम्हारे ही चरणों में आके झुकेंगे। करके पहचान करके पहचान, पहचान के बिना कौन किसी के सामने झुकता है। अब तुम तुम्हारी नजर को इस वास्ते अब अपनी नजर को जिन करो तुम और ना इधर उधर नजर करने का मतलब कभी भी अपने ईमान से गिरना नहीं। जो कभी तुम्हें दिल में और कभी तुम्हारे दिल के अंदर आवे नहीं ये जगह मेरी जगह पसंद ना आती हो कि भाई हाँ स्वामी जी ने हमें तो भेज दिया है और खुद जाके वहाँ बैठ गए, तो बोलो मैं वहाँ भी आ जाऊंगा, मैं तो डर के नहीं बैठा हुआ हूँ। तो हम और ठोर जाएंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं अब राज जी में राय मेरे दिल में बार बार ये कहते हैं कि मैं राज ठाकुर तू पढ़ा पढ़ा क्या कर रहा है और जगह जा, कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। क्यों वाणी से तो ये गए मान, बाकी इनको जो राज का गुमान है तो मैं किसी और जगह जाके हिंदू राजा को चक्कर सुना के खड़ा करता हूँ, वो फिर आके तलवार का जवाब तलवार से होता है और बात का जवाब बात से होता है। वो जब हिंदू राजा कोई मेरी पहचान करके यकीन लाएगा वो इसका सिर नीचा करेगा। क्या मोर्चा फिर मोर्चा इसके ऊपर आके ढाएगा, वो लड़ाई करे और लड़ाई करेगा, वो तलवार की लड़ाई होगी और फिर इसका जो है दजाल नाम तोड़ देगा। फिर आवे दूसरी बेर, फिर जब हम दूसरी बेर आएंगे ये विचार तो करे, ये विचार तब करेगा जो तुम उल्टे होके चलोगे। जैसे कोई मुसलमान अगर कोई मुसलमान है सब चरण बंदेगे होए, सब जो है चरण बंदेगे आप करके जब उनको कुरान से समझाओगे तुमको सबको ही धन धन, और फिर जब सबको पहचान हो जाएगी तो किसको धन धन करेंगे। वाकई भाई मोमनो जो तुमने कुर्बानी कर दिखाई है हम उसके बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। सारा संसार जो है तुम्हारा धन्यवाद करेगा, चरण वंदना करेगा। जो वाणी सका देखेंगे, क्या देखेंगे, कपड़े नहीं देखेंगे, भगवे पहने अंदाड़ी पहने, जब तुम्हारी वाणी और इश्क कुर्बानी को देखेंगे सब तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। सब कहेंगे भाई हम तो माया में डूबे रहे, वाकई आप ही उस अक्षातीत के हुक्म पर चल रहे थे। जो दोष तुम्हारा देख रही और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा दोष क्या है, कपड़े ही तो बदले हैं और तो कोई बुरा काम नहीं किया। तुम्हारे बिना मरे और वो मारे बिना ही मरेंगे। जो तुम्हारी बात को और तुम्हारी इस वाणी को बात को सुल्तान चित्त सो ना धरे, और ध्यान दो सुल्तान ने चित्त से क्यों नहीं डर, क्योंकि काजियों ने डरा दिया कि ये किसी राजा ने भेजे हैं मारने के वास्ते। सो भी इस वास्ते सुल्तान ने कान इसलिए नहीं सुना उसने कान से बैठ के कि मैं एकांत में बैठ जाऊं, मैं अकेला हूं और ये 12 जने तो मार ना डाले, ये बात उसके दिल में डर गई, इसलिए वो तुम्हारी चर्चा रूबरू बैठ के नहीं सुनने। तो पहले तो उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं चर्चा एकांत में बैठ के अवश्य सुनूंगा। एक ऊपर की संसारिक शरीर का नजर होती है, दूसरी बात की ना पहचान, दूसरी बात उसको अभी वाणी की बात नहीं पहचान ही नहीं हुई थी, और इनके दिल में हुआ है चौकस हो गया, डर लग गया कि कहीं मुझे मार ही ना डाले। जो हम पर दगा करने के अगर ये दगा करने वाकई, क्योंकि काजी ने कह दिया कि ये किसी हिंदू राजा ने तुम्हें मारने के लिए भेज दिया
और ये दगा कर बैठे तो मैं मर जाऊंगा आए मेटर में राजा और मुझे मारने के लिए आए हैं और तीसरा क्या है जो जाहिर हो इमाम ध्यान दो तीसरा उसके दिल में काजियों ने क्या डर दिया कि अगर इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो औरंगजेब राजपाट छोड़ के उनके चरणों में चला जाएगा और फिर मुसलमानों का राज और हमारी कुर्सी ये धुरदरगाह से ही जो है लगा हुआ है मर रहे खा रहे लेकिन कुर्सी मिनिस्ट्री की नहीं छोड़नी चलिए अब जब शरा और तोरा कि जब उनकी मुसलमानों का राज भी न रहे और गद्दी भी छिन जाए तो ना पकड़े काम इसलिए जो है उन्होंने तुम्हारी बात को सुना नहीं है और बाहर के अर्थ में कुरान में क्या लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएगा तो दज्जाल के साथ लड़ाई होगी और उनके जो मोमिन होंगे उनके हाथ में इतनी बड़ी लंबी तलवार होगी कि वो एक ही तलवार में 70,000 काफरों को मारेंगे। अब क्या मोमिन मारने के लिए तलवार कौन सी है तातुम ज्ञान की और 70,000 काफर कौन है जो हमारी नसें हैं अंदर इंद्रियां वही हमारे काफर हैं वही हमारा रास्ता रोकते हैं उनको सबसे पहले मोमिन मारेंगे दुनिया नहीं मार सके मोमिन जो है इस वाणी के बल से जो लोक लाज मर्यादा इच्छा घर बार सब को छोड़ के चलेंगे राजी महाराज के चरणों में और फिर क्या होगा कोई तलवार से खून नहीं हो जाएगा कि इस वाणी के प्रताप से सब कर्म कांड मिट जाएगा कुछ नहीं किसी की शक्ति चलेगी हो जाएगा सब लोग जो हैं अपने अपने कर्म को छोड़ बैठेंगे उनको सुध आ जाएगा क्यों हो कर्मास एंड धर्मास वे बॉडी नॉट वे सो तब जब उनको आत्मा की पहचान होगी फिर कौन ठाकुरों की पूजा करने बैठेगा कौन गंगा को जाके पूजेगा कौन खिजड़े वृक्ष को जाकर के मत्थे टेकेगा और कहने लगे चिंता ना करो बड़े बड़े हाथियों के खोपड़े टूट जाएंगे वो हाथी वो जंगल वाले नहीं आचार्य महाराज गादीपति अहंकार ये सब के खोपड़ियां उड़ जाएगी क्या मतलब अहंकार टूट जाएगा ये कहते हैं ये युद्ध होगा चिंता मत करो तुम सब महाराजों के धीरे धीरे ठंडे होते चले जाएंगे ना खाना पानी रहेगा और ऐसा वक्त भी आएगा कि संसार में ना ईमान रहेगा दाना पानी का मतलब नहीं कि गांव खत्म हो जाएगा ईमान नहीं रहेगा लोगों का कोई सेवा भाव नहीं रहेगा बिल्कुल धर्म से सब लोग अधर्म हो जाएंगे ना कछु रहेगा और ना किसी को कोई परमात्मा की याद ही आएगी इस वास्ते ये ऊपर की बातें ये लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं ये ऊपर की ही भाव को देखते हैं जानत नहीं खा और जानते नहीं है और जो क्यामत की और जो इनको क्यामत का डर लग रहा है क्योंकि क्या कह रहे थे अगर क्यामत जाहिर हो जाएगी तो हम सब मर जाएंगे वो क्यामत का अर्थ ही उल्टा लिए बैठे हैं स्वामी जी कहते हैं उर्दू तो शायद आप लोग कोई भाई साहब जानते हो बड़े कयाम मत कयाम का मतलब होता है ठहराओ मत मैंने ज्ञान ऐसा इमाम मेहंदी ज्ञान लाएंगे कि जो सुन लेगा और अक्षातीत के साथ संबंध जोड़ लेगा वो आवागमन के चक्कर से छूट करके अखंड हो ये क्यामत का जाहिर होना है बड़ी जानी और इनको बहुत डर लगा हुआ है कब क्यामत आ जाएगी हम मर जाएंगे करामात मेरे सर ऊपर और स्वामी जी कहते हैं मुझे दुनिया पहचान नहीं पाएगी मैंने अपने वजूद के ऊपर करामात टूणा कर लिया है क्या हूं मैं अक्षरा तीत एक मनुष्य तन में आके बैठूंगा मुझे आदमी देखे और जो देखने वाले देखेंगे वो तो मुझे एक आदमी की तरह से ही तो दुनिया में देखेंगे और इसलिए जैसे दूसरे एक आदमियों के अवगुण निकालते हैं मेरे भी अवगुण निकाला करेंगे जैसे और आदमी है मुझे भी वैसा ही समझेंगे तो क्यों करावे ईमान तो फिर उनको एक वजूद को देख करके तो ईमान कभी आ नहीं सकता भाग्य
सके क्यों कर सक। इसलिए उनका संशय कैसे मिटे, जब तुम्हारे सुकना और जब तुम्हारी वाणी को कोई सुनेगा। अब फिर करो पुकार, फिर पुकार करो, मेरी वाणी को तुम जाहिर करते चले जाओ। तुमको इसी वास्ते ये वाहिर खबरदार, हर तरह से जो है मैंने तुमको चौकस कर दिया है। अब तुम छिपे ना रहो। और स्वामी जी कहते हैं अब तुम छिपे नहीं रहोगे। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, पहले उषा काल होती है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है, दुनिया को बिल्कुल पता चल जाएगा शास्त्रों के हिसाब से कि वो ब्रह्म मुनि और अक्षातीत कलयुग में आ गए हैं। बड़े उम्राव होवे आदीन, और बड़े उम्राव, बड़े बड़े जो महाराज हैं और बड़े बड़े गादीपति हैं, जब ये चर्चा सुनेंगे वो उल्टा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और तुम सो तालीम लेंगे। और ये जो मुसलमान बने फिरते ना काजी फकीर वगैरह, सब तुम्हारे से बैठ के कुरान की तालीम लेंगे। जिन चिंता करो, इसलिए स्वामी जी कहते चिंता नहीं करो, जरा देखो सही, हौसला रखो। और कहो न जरा जिन करो, तब तुम ईमान न छोड़। और नजर करने का मतलब क्या, यकीन न छोड़ना, ईमान ना छोड़ जाना। ना बैठक की जो बंद, और बैठक ना बंद करना, दरवाजा खोल देना। तुम्हारी पैरो भाई, बैठक ना करना बंद का मतलब ये रूम नहीं, रूम ना डोर नहीं, ये बैठ के सुंदर साथ में बैठकर बराबर चर्चा सत्संग चालू रखना। अगर चर्चा नहीं किया करोगे तो हृदय में माया बैठ और मिलकर चर्चा करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे तो हमेशा तुम्हारा ईमान पक्का खड़ा रहेगा। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, और तुम्हारी ये वाणी जो बात है परम धाम की वो छिपी नहीं रहने वाली है, चिंता मत करो। बड़े ठौर मिले हुए अंध, और ये जो बड़े ठौर है ना गादीपति, ये सारे मिलके अंधे हो गए, अभिमान आ गए इनको, अहंकार आया हुआ है। जैसे काम पर गए हो, और स्वामी जी कहते हैं जिस काम पर गए हो ना इतना बल रखना, कभी भी इससे पीछे नहीं हटना। ना तो शक आवेगा इनको, नहीं तो मुसलमानों को शक आ जाएगा। वही रखियो कल, उसी तरह से जैसे तुम जम्मा मस्जिद गए थे, किस जोश से गए थे, किस ईमान से गए थे, और अब भी जाके ढीले मत हो जाना। उसी तरह से यकीन विश्वास ले करके चलते रहना। मैं तुम्हारे सिर पर, अब कहां कहां तक समझाया, इस वाणी को ढांपने वाला हमारा शत्रु है, उसकी पूजा नहीं करो। जो प्राणनाथ को मारते हैं हर साल, क्या कहने, मैं सदा तुम्हारे सिर के ऊपर जो है एक टांग पे खड़ा होके पैरा देता रहूंगा मोमनो अक्षातीत राज्य कह रहे। और हमें क्या कह जाता, प्राणनाथ जी धाम चली गई है, उनके जो चरणों में मरो, जागो इस वाणी से मैंने नहीं लिखी है। प्राणनाथ जी कह रहे मोमनो, मैं सदा तुम्हारे सिर पर जो है एक टांग पर खड़े होके तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ नजर भी उठा के देख ले। और दिशा हिंदुओं की, और ये ध्यान में रखना, अगर राज्य ने हमको हिंदुओं का तन दिया है, हमने सदा हिंदुत्व को कायम कर रखना है, नीचे राखियो बनाए, अच्छी तरह से हिंदुत्वपन में रहना। ये नहीं कि अभी मुसलमानों से डर के हमको मुसलमान हो जाएंगे। जो तुम्हारे बल सो, और अगर तुम्हारे बल से मेरा जोरा हो, अगर तुम्हारा इतना वो हो जाए और तुम कहो कि स्वामी जी आ जाओ, तो ये मत सोचो मैं आऊंगा नहीं। तुमने लालदास कहा था कि वहाँ एकांत आके बैठ जाओ, मैं वहाँ भी आ जाऊंगा तुम्हारे बीच में। और बल मेरे से, और मेरे बल से ये तुमको माने सो, और अगर ये मेरे बल से ये तुम जानोगे स्वामी जी आ जाओ तो ये चरणों में झुक जाएगा, तो फौरन कहना मैं आप भी